हैं, आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। खबरों की ओर रुख करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम वही खबरें आपको दिखाते हैं जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि सच जरूरी है। बगैर हेलमेट वाहन चलाने वाले 88 चालकों पर कार्रवाई। दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने की अनिवार्यता के बावजूद शहर में कई लोग इस नियम का उल्लंघन करते पाए जा रहे हैं। ऐसे में नियमों का सख्ती से पालन करवाने को लेकर अब क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय RTO नागपुर में भी कमर कस ली है। RTO ने कार्रवाई करते हुए 88 वाहन चालकों पर जुर्माना लगाया है। कार्रवाई के दौरान कई चालकों के पास इंश्योरेंस व PUC न होने पर जुर्माने की रकम 2300 से 2500 तक हो गई। अधिकारियों ने बताया कि ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। हेलमेट के बगैर वाहन चलाना खतरनाक होता है। ज्यादातर युवा हेलमेट को नजरअंदाज करते हैं और अधिकांश हादसों में युवाओं की जान भी जाती है। ऐसे हादसों पर अंकुश लगाने के प्रयास के तहत ही यह अभियान चलाया जा रहा है। सोमवार को क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी दिनकर मनवर के मार्गदर्शन के उप क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अतुल आदे के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। कार्रवाई के लिए 2 स्क्वाड तैयार किए गए थे। एक में मोटर वाहन निरीक्षक नरेश पोलानी व सहायक मोटर वाहन निरीक्षक वासुदेव मुगल और दूसरे स्क्वाड में मोटर वाहन निरीक्षक श्याम कसर व सहायक मोटर वाहन निरीक्षक कोपुल्ला थे। हेलमेट के नियम का उल्लंघन करने वाले चालकों में अधिकांश युवक व युवतियों का समावेश था। डिप्टी RTO अतुल आदे ने बताया कि हेलमेट प्राण रक्षक है, इसी की जन जागृति को लेकर अभियान चलाया गया। ये कार्रवाई अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगी। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।